सब्सक्राइब कीजिए डीके टेक हिंदी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में जिसको गूगल ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है और दोस्तों इसके द्वारा दोस्तों आप अपने फोन में फालतू का खर्च हुआ मोबाइल डाटा को बचा सकते हैं। दोस्तों बहुत सारी एप्लीकेशन ऐसी होती हैं जो बैकग्राउंड में चलती रहती हैं और आपके मोबाइल डाटा को खर्च करती रहती हैं और हमें पता नहीं चल पाता, तो ये एप्लीकेशन ऐसे में आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकती है। तो जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। मेरा नाम है दीपक और डीके टेक हिंदी की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट्स करके हमें बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है। तो चलिए दोस्तों अब हम शुरू करते हैं। दोस्तों ये वो एप्लीकेशन है जिसका नाम है डाटली, तो हम इसे ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पे दिखाई देता है। यहाँ पे आप देख सकते हो टुडे कितना डाटा यहाँ पे यूज हुआ है। उसके नीचे दोस्तों आप अपने डाटा सेवर को ऑन ऑफ कर सकते हो और यहाँ पे दोस्तों आपको मैनेज डाटा और दोस्तों यहाँ पे फाइंड वाईफाई का भी ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों हम मैनेज डाटा पे चल जाते हैं और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो किस तरीके से ये डाटा यूज होता है आपका। यहाँ पे आप टुडे या फिर वीकली या मंथली भी सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा ज्यादा जो डाटा यूज होता है वो यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे या गूगल प्ले स्टोर या फिर बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन है जो हमारे मोबाइल डाटा जो है यूज करती है। तो यहाँ पे दोस्तों नीचे ऑप्शन आ रहा है कि हम जो है 27% तक अपना मोबाइल डाटा को सेव कर सकते हैं। तो हम बैक चले जाते हैं और यहाँ पे दोस्तों ऊपर ऑप्शन आ रहा है डाटा सेवर का, तो ये इस टाइम ऑफ है तो हम इसे ऑन कर देते हैं। और ऑन जैसे हमें कर दिया तो यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे 100 ऐसी एप्लीकेशन है जो हमसे बिना परमिशन लिए ही बैकग्राउंड में काम करती है और हमारे मोबाइल डाटा को यूज करती है। तो दोस्तों हम मैनेज डाटा में चल जाते हैं और देख लेते हैं यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो सभी एप्लीकेशन पे जो अननेसेसरी डाटा यूज करती हैं उन पर लॉक लग चुका है। और दोस्तों हम आपको दिखा देते हैं कि रियल टाइम में ये कैसे दिखाता है कि हमारा कितना डाटा यूज हो रहा है उस एप्लीकेशन के द्वारा। तो हम चल जाते हैं दोस्तों होम पे और वहां पे हम खोल देते हैं यहाँ पे यूट्यूब। तो दोस्तों यूट्यूब खुल चुका है, हम यहाँ से अपनी कोई भी एक वीडियो चालू कर देते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे जो है वीडियो चालू हो चुकी है और जो भी डाटा यहाँ पे यूज होगा उसका यहाँ पे पॉपअप बन चुका है। यहाँ पे दिखा रहा है कि 3 MB जो है डाटा भी यूज हो चुका है। तो इस तरीके से आप देखो, आप जैसे यहाँ पे बफरिंग चलती जा रही है हमारी वीडियो की बफर होता जा रहा है, वैसे ये दिखाता जा रहा है 5 MB, 7 MB। तो इस तरीके से ये जो है हमें दिखाता रहेगा कि इस एप्लीकेशन के द्वारा आपका कितना डाटा यूज हो रहा है। तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम इसको ब्लॉक भी कर सकते हैं और यहाँ पे हम देख सकते हैं अपने मैनेज डाटा को। तो हम ब्लॉक डाटा पे क्लिक कर देते हैं और उसके बाद जो है ये जो डाटा है ये ब्लॉक हो जाता है, इससे आगे इसमें बफरिंग नहीं होगी। तो इस तरीके से आप अपने डाटा को यहाँ पे सेव कर सकते हैं जो भी अननेसेसरी डाटा आपका यूज होता है। दोस्तों यहाँ पे दूसरा ऑप्शन मिल जाता है फाइंड वाईफाई का, तो हम इस पे चल जाते हैं और इसमें दोस्तों आपके 5 किलोमीटर के जो एरिया में जितने भी वाईफाई होंगे वो शो कर देगा और यहाँ पे सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड सभी वाईफाई यहाँ पे दिखा रहा है। तो आप अगर उस लोकेशन पे हैं जहाँ पे फ्री वाईफाई आपको मिल रहा है तो वहां पे जाके आप बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हैं। दोस्तों ये एप्लीकेशन आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकती है क्योंकि ये दोस्तों आपके मोबाइल डाटा को फालतू खर्च होने से भी बचाएगी और आपको बताएगी कि आपके आसपास कौन कौन से वाईफाई सिक्योर्ड हैं और अनसिक्योर्ड हैं ताकि आप उन्हें यूज कर सकें। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने इस एप्लीकेशन का लिंक दे रखा है, तो वहां पे जाके इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और दोस्तों हमारे बेल आइकन को दबा कर आप हमारी लेटेस्ट वीडियो की सभी नोटिफिकेशन पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।